you guys, welcome back to my channel and welcome to bare face reviews. Yes, I think मेरे को ये series start कर देनी चाहिए bare face reviews. What you say? Okay, so आज हम बात करने वाले हैं hair masks की जो कि मैं सिर्फ एक बार try out नहीं करने वाली, मैं इसको दो बार try out नहीं करने वाली, मैं इसको तब तक try out करूँगी जब तक ये खत्म नहीं हो जाता. And उसके बाद मैं अपना review आप लोगों के साथ share करूँगी. So अगर आप जानना चाहते हैं किस hair mask की मैं बात कर रही हूँ और कितनी बार मैंने try किया और क्या results था, then please keep on watching. But आगे बढ़ने से पहले make sure कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल बटन वेट कर दिया, लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो, और कोशिश करिए अगर अच्छा ना भी लगे तो भी एफर्ट्स के लिए लाइक कर देना. जस्ट सेइंग, बट या अगर आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए, बिकॉज इस टाइप के वीडियो को बनाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम. काफ़ी लंबे समय तक आपको लाइक यू नो एक बार नहीं दो बार नहीं, आपको कई बार फिल्म करना पड़ता है, देन सारे टुकड़ों को जोड़ना पड़ता है. सो इट डज टेक अ लिटिल बिट ऑफ मोर एफर्ट, बट ठीक है, लाइक करके बता देना एफर्ट जो है वर्थ शेयरिंग था कि नहीं. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो है मामाअर्थ के हेयर मास्क. सो मामाअर्थ ने इस बार मुझे भेजे हैं अपने हेयर मास्क, एंड एज यू गाइज नो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मामाअर्थ. बट या जो भी ओपिनियन होती है वो मेरी ही होती है, सो बी रेस्ट अश्योर्ड. उन्होंने अपनी रेंज के तीनों हेयर मास्क मुझे भेजे थे, बट ऑब्वियसली आई कैन नॉट ट्राई ऑल थ्री ऑफ देम. बट मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि मुझे क्या क्या मिला था. सो सबसे पहले आई गॉट दिस अनियन हेयर मास्क जिसमें अनियन ऑयल एंड बैम्बू एक्सट्रैक्ट्स हैं, आई थिंक बैम्बू विनेगर है. सो या द फर्स्ट हेयर मास्क इज दिस वन, विच आई थिंक इज न्यू एज वेल. द सेकेंड हेयर मास्क इज दिस वन, दिस इज आर्गन हेयर मास्क. इसमें है आर्गन ऑयल, एवोकाडो एंड मिल्क प्रोटीन, विच इज ग्रेट अगर आपको अपने बालों की स्ट्रेंथ बढ़ानी हो. दिस इज गुड फॉर फ्रिज फ्री एंड स्ट्रॉन्गर हेयर एज आई सेड, क्योंकि मिल्क प्रोटीन, एवोकाडो, आर्गन ये तीनों ही चीज आपके बालों का जो है फ्रिज कंट्रोल करती है, एट द सेम टाइम आपके बालों को रूट से स्ट्रॉन्ग बनाती है. सो दैट वॉज द आर्गन हेयर मास्क. एंड द लास्ट वन दैट आई हैव इज द टी ट्री हेयर मास्क विद टी ट्री, आर्गन एंड लेमन ऑयल, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज ग्रेट अगर आपका इची स्कैल्प है या फिर आपको डैंड्रफ है, बिकॉज लेमन इज अ मस्ट हैव इंग्रीडियंट अगर आपको डैंड्रफ से छुटकारा पाना है. एज आई सेड, सी मैं इंग्रीडियंट्स देख के मैंने पहचान लिया किस चीज़ के लिए. बट या दिस इज समथिंग विच आई हैवन ट्राइड, सो ये मुझे ट्राई करना है बिकॉज मुझे उतना डैंड्रफ इशू नहीं है. बट आई हैव द अदर टू जो कि मैंने ट्राई आउट करे. सो सबसे पहले दिन जो है मैंने हाफ एंड हाफ किया, एंड आई ट्राइड आउट आर्गन हेयर मास्क ऑन वन साइड ऑफ माई हेयर एंड अनियन हेयर मास्क ऑन द अदर साइड ऑफ माई हेयर. एंड ऑनेस्टली आर्गन वाला ना इंस्टेंटली आपको डिफरेंस दिखेगा, मतलब फर्स्ट वॉश में ही आपको लगेगा आपके बाल बहुत स्मूथ हो गए हैं, बहुत ही सिल्की स्मूथ फील हो रहा था, बहुत ही मैनेज लग रहे थे. तो फ्रिज आपका 100% जाएगा. बाय द वे अगर आप इसमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हो, कोई भी हेयर मास्क, तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो Nidhi20 ऑन मामाअर्थ्स वेबसाइट. बाकी ये प्रोडक्ट्स आपको नायका और अमेजोन पे भी मिल जाएंगे जस्ट इन केस यू वॉन्ट टू बाई फ्रॉम देयर. बट मामाअर्थ की वेबसाइट पे 15% ऑफ तो रहते ही रहता है, बट अगर आप एक्स्ट्रा 5% लेना चाहते हो देन यूज माई कोड हियर ऑल्सो. हाँ तो हम कहते हैं हाँ तो इसका जो रिजल्ट आपको इंस्टेंटली दिखने लगेगा. बट हेयरफॉल इज समथिंग जो कि मेरे ख्याल से एक बार में आप नहीं बता सकते कि आपका हेयरफॉल कंट्रोल होगा. सो हियर इज द क्लिपिंग ऑफ द फर्स्ट टाइम मी डूइंग अ फेस ऑफ ऑफ बोथ ऑफ दीज मास्क, एंड वी आर गोइंग टू डू अ फेस ऑफ बिटवीन दीज टू. सो ऑन द राइट साइड मैं यूज करूंगी अनियन ऑयल हेयर मास्क और ऑन द लेफ्ट साइड मैं यूज करूंगी आर्गन हेयर मास्क. सो मैंने अभी अभी अपने बाल धोए हैं एंड माई हेयर इज वेट. और अगर डायरेक्शन की बात करें हम, सो दैट्स माई झल्ली लुक. सो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, सो ये कह रहे हैं कि पार्ट योर हेयर इनटू टू हाफ्स, दो सेक्शन में अपने बालों को डिवाइड करना है, हाथ पे हेयर मास्क लेना है एंड देन अप्लाई इवनली फ्रॉम रूट टू योर टिप. 15 से 25 मिनट के लिए छोड़ना है एंड उसके बाद वॉश ऑफ कर देना है विद अ सल्फेट फ्री शैम्पू. फॉर एक्स्ट्रा ड्राई एंड फ्रिजी हेयर यूज़ दिस मास्क ट्वाइस. तो आप हफ्ते में दो बार इस मास्क को यूज़ कर सकते हैं. दिस इज द आर्गन हेयर मास्क. और अगर अनियन हेयर मास्क के डायरेक्शंस पढ़ लें सो ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही लिखी है, बट बेस्ट रिजल्ट के लिए उन्होंने वहाँ पर लिखा है कि 2 to 3 times अ वीक यूज़ करना है एंड इसको रखना है 10 से 15 minutes तक ही. सो इसको 15 minutes तक रख, दोनों में ही 15 minutes इज कॉमन. सो आई एम गोइंग टू कीप बोथ ऑफ दीज फॉर 15 minutes इन माई हेयर. मैं थोड़ा सा अपने बालों को कोम कर लूँगी. आई नो दे आर वेट और गल गीले बालों को हमें कभी कभी भी कंघी नहीं करनी चाहिए, उससे रूट्स हमारे वीक होते हैं, बट आई जस्ट कांट हेल्प इट. और मैं सूखने तक का इंतज़ार नहीं कर सकती. सो आई एम जस्ट गोइंग टू जस्ट
ऐसे थोड़ा सा कोम कर लूँगी जैसे कि नॉट्स वगैरह थोड़ी सी निकल जाए एंड देन वी विल स्टार्ट अप्लाइंग दिस. राइट, सो अप्लाई करने से पहले मैं अपने बालों का एक बैकग्राउंड आप लोगों को देना चाहती हूँ. माय हेयर आर वेरी फ्रिजी, बहुत ही ड्राई हैं, बट दो हफ्ते पहले मैंने उसमें स्मूथनिंग ट्रीटमेंट कराया था. ओके, सो मैंने बालों को कोम आउट कर लिया है अब, और अब हम मूव ऑन करेंगे अपने हेयर मास्क एप्लीकेशन पे. तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ आर्गन हेयर मास्क एंड इसको मैं अप्लाई करूंगी अपनी लेफ्ट साइड पे. सो एप्लीकेशन में उन्होंने बोला था कि आपको अच्छी सी क्वांटिटी लेनी है अपने हाथ पे, एंड उसके बाद इसकी फ्रेग्रेंस मुझे थोड़ी बहुत टीट्री जैसी फील हो रही है. लाइक टीट्री नहीं, इनफैक्ट लैवेंडर ऑयल की जो फ्रेग्रेंस होती है ना, उसके जैसे फील हो रही है. सो अभी मैं रूट से लेकर के टिप तक अच्छे से इसको अपने बालों में अप्लाई करूंगी, और ये काफ़ी थिक है, काफ़ी ज़्यादा थिक है. अनियन हेयर मास्क, मुझे आर्गन वाला काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी थिक था, एंड लगाते लगाते ही फील होने लगता है ना कि वेदर योर हेयर इज़ गेटिंग स्मूदेंड और नॉट. सो अच्छा लग रहा था उसको अप्लाई करने में. बाय द वे, ओके, दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट मैंने आर्गन वाला यूज़ किया है. अनियन वाला आई हैव ऑलरेडी यूज्ड एक बार पहले, सो आई एम लाइक उतना ब्रीफली यूज़ किया था. आई जस्ट यूज इट एज अ कंडीशनर, सो मुझे उतने अच्छे से समझ नहीं आया था, बट या दिस इज़ ऑल्सो वेरी थिक, काफी अच्छा लग रहा है इसको भी अप्लाई करते वक्त. और इसमें मोगरा जैसी फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी, थोड़ी नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग मोगरा की फ्रेग्रेंस है इसमें. मतलब आपको फील हो जाएगा कि हाँ भाई मोगरा है इसमें. ऑल राइट, सो हेयर मास्क दोनों तरफ अप्लाई हो गया है एक जैसा. अभी मैं लगाऊंगी फटाफट से 15 मिनट्स का टाइमर. सो टच द टाइमर एंड स्टार्ट. सो 15 मिनट बाद मैं वॉश ऑफ करके देन आई विल चेक इन. हे गाइज, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू गाइज अ क्विक अपडेट. मेरे बाल सूख चुके हैं बिल्कुल, और अभी तक मैंने कंघी नहीं करी है, एंड येट आप देख सकते हो मेरे बाल एकदम बढ़िया शाइनी शाइनी से हो रहे हैं. द ओनली थिंग इज कि जो अनियन साइड था, यानी कि ये वाला साइड, उसमें वो जो मोगरा फ्रेग्रेंस थी, इट इज़ स्टिल देयर, लाइक आई कैन स्मेल इट. सो अगर आप फ्रेग्रेंस सेंसिटिव हो देन या कीप दैट इन माइंड, बट दिस वन देर इज़ नो स्मेल एट ऑल, एंड मेरे बाल बहुत ही शाइनी लग रहे हैं. सो द फर्स्ट इम्प्रेशन अगर मैं आपको बोलूँ, आई रियली लाइक द आर्गन साइड, जो कि मतलब वो स्मूद और फ्रिज फ्री करने वाली बात है ना. सो दिस वन इज़ टोटली फ्रिज फ्री, एकदम बढ़िया स्मूद एंड सिल्की एंड शाइनी है. दिस साइड हाउ एवर इज़ नॉट दैट सिल्की एंड शाइनी. एनी वेज वो क्लेम भी नहीं कर रहे हैं, दे डू क्लेम कि हेयर फॉल कम हो जाएगा, सो दैट वी शैल सी आफ्टर 3 वॉशेज. बट फिलहाल ऐसा नहीं है कि ये वाले बाल जो हैं कम सॉफ्ट हैं. Both of them are good, but this side feels super good, super glossy and super soft. Alright, so next time जो है, क्योंकि आप hair fall एकदम instantly बता नहीं सकते हो कि आपका hair fall control हुआ या नहीं हुआ, so इसीलिए next time मैंने सिर्फ onion hair mask को try out किया. And honestly, जब first एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ मैं आपको. मेरे बाल इनिशियली बहुत फ्रिजी थे एंड मुझे हेयर फॉल भी था, देन आई गॉट स्मूदनिंग और मेरा हेयर फॉल और बढ़ गया, बिकॉज स्मूदनिंग इज़ अ प्रोसेस जो आपके रूट्स को थोड़ा सा वीकन करेगा. मैं उस पर एक इनडेप्थ वीडियो नेक्स्ट वीक बनाने वाली हूँ स्मूदनिंग प्रोसेस पे. सो मेरे को हेयर फॉल अच्छा खासा हो रहा था, एंड द फर्स्ट टाइम जब मैंने फेस ऑफ किया था इन दोनों हेयर मास्क का, तब लिटरली मेरे बाल ना ऐसे से निकल रहे थे मास्क अप्लाई करते वक्त. बट द सेकेंड टाइम मैंने कहा कि नहीं, इस बार मैं सिर्फ पूरे के पूरे बालों पे आई विल जस्ट अप्लाई दिस अनियन हेयर मास्क ऑन द एंटायर हेड, और देखिए फिर क्या हुआ. हे गाइस, आई एम बैक, और आज हम सेकेंड टाइम यूज़ करेंगे मामा अर्थ का हेयर मास्क. ना उस दिन हमने देखा था जो एवोकाडो वाला था वो काफ़ी अच्छा था एंड उसे काफ़ी शाइन मिल गई थी, बट हेयर फॉल कंट्रोल वाला जो होता है ना, वो हमें एटलीस्ट मेरे को लगता है 2-3 बार में आपको समझ में आता है कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो रहा है कि नहीं. तो इसीलिए आज मैं अपने पूरे बालों में ट्राई आउट करूँगी ये वाला अनियन हेयर मास्क. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. इसमें अनियन है एंड ऑर्गेनिक बैम्बू विनेगर है. सो आई थॉट हमें पता तो चल ही गया था उसमें अच्छी शाइन है और बाल काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाते हैं, बट हेयर फॉल का उतना पता नहीं चल पाया था. एंड मेरा हेयर फॉल काफ़ी हो रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट, मुझे लगता है. मैं तेल वगैरह नहीं लगा रही हूँ, प्रॉबेबली दैट माइट बी द रीज़न. तो अगर आप तेल नहीं लगा रहे हैं और आपको लगता है कि आपके बाल जो है काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं, कैसे पता चलता है? आपकी रूट्स में पेन होगा. आप जब इस तरीके से अपने बालों को मूव करेंगे तो आपके रूट्स में पेन होगा. दैट मीन्स कि आपके रूट्स को नरिशमेंट चाहिए.
तो इसीलिए आज हम वापस से वही अनियन वाला यूज़ करने वाले हैं. सो मैंने अपने बालों को ऑलरेडी वेट कर लिया था और अभी मैं फटाफट से फ्रॉम द रूट्स टू द टिप पूरे मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी इसको. ऑलराइट, सो मैं इसको छोड़ूंगी अपने बालों में फॉर 15 मिनट्स. मैं अभी टाइमर आपको दिखा नहीं रही हूँ, मेरा फ़ोन टूट गया है, सो दैट इज़ तो इसलिए मैं नॉर्मल क्लॉक देखकर ही 15 मिनट इसको रखूंगी अपने बालों में और ये वापस खोल रहा. आई थिंक आई विल लीव इट लाइक दिस ओनली. खोल दो. ओके, सो 15 मिनट के बाद आई विल वॉश इट ऑफ एंड अपडेट यू गाइज अबाउट दिस. ओके सो गाइज, 15 मिनट हो चुके हैं, मेरी सफाई अभी पूरी नहीं हो पाई है तो मैं फटाफट से नहा धो के आती हूँ, देन वील कंटिन्यू विद दिस. और बच्चे भी आने वाले हैं पढ़ने के लिए, बिकॉज यू गाइज नो मैं क्यू मैथ क्लासेस लेती हूँ. सो येस, आई हैव टू जस्ट क्विकली टेक अ बाथ और उसके बाद डुगू को नाश्ता देना है, इसलिए सफाई पूरी करनी है एंड बच्चों को पढ़ाना है. सो आई विल सी यू गाइज आफ्टर दैट. ओके गाइज, सो आई एम बैक फ्रॉम द शावर और ऑनेस्टली मैं बताऊँ, जब मैं बाल धो रही थी इतना सॉफ्ट लग रहे थे मेरे बाल, आई कांट इवन टेल यू. तो अभी फटाफट से जैसे ये सूख जाते हैं आई विल अपडेट यू हाउ आई फील आफ्टर दैट. सो आई फॉरगॉट टू इंसर्ट द लास्ट क्लिप, बट बालों को वॉश करने के बाद बाल बहुत ही सिल्की स्मूथ फील हो रहे थे एंड इस तरीके से करने से बाल उतने ज़्यादा झड़ भी नहीं रहे थे. मेरी तकिया में भी बाल मुझे कम दिख रहे थे कंपेरेटिवली. मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे को एकदम हेयरफॉल बंद हो गया इसको एक बार दो बार यूज़ करने में, नहीं, मेरे हेयरफॉल में काफ़ी ज़्यादा कमी दिखी मुझे. मेरे बाल झड़ रहे थे पर उतने नहीं झड़ रहे थे जितना मैंने इसको यूज़ करने से पहले झड़ रहे थे. सो टुडे वॉज अ थर्ड टाइम व्हेन आई यूज्ड इट एंड गेस व्हाट, तीसरी बार में आई जस्ट फिनिश्ड इट ऑफ. सो जो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँ दैट इज लाइक रियल ट्रूथ जो मुझे फील होता है. सो द थर्ड टाइम दैट आई ट्राइड आउट, मैंने अगेन पूरे बालों में लगाया हुआ है एंड दिस टाइम व्हेन आई वाज अप्लाइंग माय हेयर मास्क मेरा एक या दो बाल निकला बस. सो दैट वॉज अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट. कहाँ मेरे बाल लिटरली यूँ निकले जा रहे थे जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था और कहाँ इस बार सिर्फ एक या दो बाल एप्लीकेशन के टाइम पे निकला और प्रोवाइडेड मैंने कंघी नहीं करी थी पहले से. सो हियर इज द क्लिप ऑफ मी अप्लाइंग इट फॉर द थर्ड टाइम. ओके, सो दिस इज़ द थर्ड टाइम दैट आई एम ट्राइंग दिस हेयर मास्क. पहली बार में मैंने हाफ ऑफ किया था, सेकेंड टाइम आई डिड इट ऑन माई एंटायर हेयर. और मैं जो हूँ आप लोगों को शायद अपडेट करना भूल गई थी, बट माई हेयर वॉज रियली गुड. अभी भी आप देख सकते हो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा यू नो टैंगल फ्री हैं, इतना ज़्यादा टैंगल नहीं है. एनी विच वेज, मैं दिस इज़ द थर्ड टाइम दैट आई एम गोइंग टू ट्राई इट आउट और मैं वापस से ट्राई आउट करूँगी अनियन हेयर मास्क, बिकॉज अनियन जो होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में. और क्योंकि मैंने स्मूथनिंग कराई हुई है, थोड़ा सा हेयर फॉल मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट काफ़ी हेयर फॉल मुझे दिख रहा था इनिशियली जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था, बट अभी आई थिंक इट इज़ क्वाइट कंट्रोल्ड. सो मैं फटाफट से इसको अपने बालों में लगा लेती हूँ. जब फर्स्ट टाइम मैंने लगाया था ये हेयर मास्क और मैं मास्क लगाते लगाते मेरे इतने सारे बाल मेरे हाथ में आ गए थे, आज अभी तक सिर्फ दो बाल मेरे टूटे, विच यू गाइज इज़ लाइक रियली गुड. वरना हेयर मास्क लगाते लगाते इतने सारे बाल टूट जाते थे कि धक से हो जाता था यार ये क्या हो रहा है. लास्ट टाइम जब मैंने हेयर मास्क लगाया था उसको हो चुका है ऑलमोस्ट एक हफ्ता, आई थिंक पूरा एक हफ्ता, क्योंकि शायद पिछले सैटरडे को मैंने हेयर मास्क लगाया था. उसके बीच में मैंने बाल धोए हैं बट मैंने मास्क लगाए बिना ही वॉश करा था बालों को. मेरा डब्बा खाली हो गया है, तो दैट मीन्स कि अगर आपके मेरे जितनी बाल की लेंथ है तो आप उसको 3 बार यूज कर सकते हैं एंड इट इज लाइक खत्म. सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन दिस अप विद माय हेयर. ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू कीप दिस ऑन फॉर अबाउट 15 मिनट्स एंड उसके बाद मैं इसको शैम्पू से वॉश ऑफ कर दूंगी एंड देन आई विल गिव यू माय फाइनल वर्डिक्ट अबाउट दिस हेयर मास्क, बिकॉज ऑब्वियसली आई नो अ लॉट अबाउट इट. सो आई विल सी यू आफ्टर 15 मिनट्स. ओके, सो हेयर वॉश के बाद भी एज आई सेड कि मुझे उतना ज़्यादा हेयर फॉल फील नहीं हो रहा है जितना मुझे पहले होता था. सो दो चार बाल तो निकलते ही हैं एंड इतना इज ओके आई गेस, बिकॉज उतना भी नहीं झड़ेंगे तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बाल बिल्कुल ना गिरे. सो या अभी मेरे बाल जो हैं, अभी मैंने कंघी नहीं करी है एंड एज यू कैन सी मेरे बाल इस तरीके से करने पे एक भी बाल नहीं आया हाथ में, विच इज़ रेयर, क्योंकि बाल वॉश करने के बाद अगर मैं यूं करती ही थी
स्मूथनिंग के बाद की बात बता रही हूँ मैं, तब भी दो तीन बाल आ जाते थे हाथ में. सो दैट इज़ अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट. आई वुड हाव एवर नॉट से दिस कि एकदम 100% आपका हेयर फॉल एकदम से चला जाएगा. हेयर केयर या स्किन केयर एक स्टेडी प्रोसेस होता है. आई हैव फिनिश्ड ऑफ वन टब एंड आई सॉ एन इम्प्रूवमेंट. आई विल गो ऑन विद अनदर टब, दूसरा टब यूज़ करके मुझे अगर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखता है आई विल अपडेट यू गाइस. बट इम्प्रूवमेंट था एंड दैट इज़ फॉर श्योर. So yeah, that is it for this video. I hope ये जो एक try on kind of video था ये आपको पसंद आया. और अगर इस तरीके के और भी try on type के video आप देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना. Makeup में try on करना, wear test करना मेरे लिए थोड़ा possible नहीं हो पाता because मेरे पास बहुत कम time होता है. ऐसा full face heavy makeup लेकर के मैं बाहर नहीं जा सकती. I hope you guys understand that. But hair care, skin care, obviously I can try out and इस तरीके से video I can put up. अगर इस onion hair mask को मुझे rate करना हो so I would rate it around 4 out of 5, which I think is pretty good. So अगर आप इसको try out करना चाहते हो you can certainly go for it. इसका retail price है 599 rupees and it is good until 2021. तो अगर आप इस पर 20% discount लोगे तो आपको around 480 का पड़ेगा ये, which is pretty decent. ऑल्सो इस ट्राई ऑन से हमें ये पता चलता है कि ये टब आपको 3 times लास्ट करेगा आप अगर आपकी मेरे जितनी हेयर लेंथ है, बिकॉज आपको अच्छे से लगाना है फ्रॉम रूट टू टिप. हर एक स्ट्रैंड को अच्छे से कोट करना है. सो दिस विल लास्ट मैक्स टू मैक्स 3 to 4 times, उससे ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा. सो या दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो. लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है. सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी. एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.